हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग एक और लैंग्वेज के लिए प्रिंटिंग मशीन डिजाइन करेंगे। लेट्स से द लैंग्वेजेस डब्लू डब्लू रिवर्स, और लेट्स से डब्लू कंटेन्स द एलिमेंट्स फॉर ए एंड बी ओनली। तो डब्लू डब्लू रिवर्स का क्या मीनिंग है? लेट्स से मेरे पास डब्लू में एक है ए बी बी, तो डब्लू रिवर्स मेरा होगा बी बी ए। तो ये जो स्ट्रिंग है डब्ल्यू डब्ल्यू रिवर्स, दिस इज एक्चुअली अ पैलिंड्रोम, एंड इस जो पैलिंड्रोम है उसकी जो लेंथ है वो हमेशा इवन होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने डब्ल्यू 3 लेंथ का लिया, डब्ल्यू रिवर्स भी 3 लेंथ का होगा, तो ये इवन होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास ए बी है, वो डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू रिवर्स होगा बी ए, तो ये भी एक पैलिंड्रोम है जो कि इवन लेंथ का है। तो इसका मतलब है कि इवन पैलिंड्रोम के लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट्स से कि हमने स्ट्रिंग अपनी कंसिडर की है ए बी बी एंड देन बी बी ए। तो अगर हम पैलिंड्रोम की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट करेक्टर शुड मैच विद द लास्ट करेक्टर, सिमिलरली द सेकेंड करेक्टर शुड मैच विद द सेकेंड लास्ट करेक्टर, सिमिलरली दिस करेक्टर शुड मैच विद द थर्ड करेक्टर शुड मैच विद द थर्ड लास्ट करेक्टर। सो इफ देर इज अ मैच बिटवीन एवरी वन, वॉट विल से दैट दिस इज एक्चुअली द पैलिंड्रोम और द इवन पैलिंड्रोम। सो नाउ इसको ट्यूरिंग मशीन इसके लिए डिजाइन करने के लिए हम सबसे पहले एक टेप ले लेते हैं, और टेप में यही स्ट्रिंग ले लेते हैं, लेट्स से ए बी बी एंड देन उसके बाद बी बी ए, इसके बाद ब्लैंक्स हैं और इसके पहले भी ब्लैंक्स हैं। सो दिस टेप इज ऑफ इनफिनिट लेंथ। अब इसमें प्रोसेस अप्लाई करते हैं, और इस प्रोसेस के लिए हम एक मेथड अडॉप्ट कर लेते हैं कि अगर मुझे ए मिलता है तो मैं इस ए को ब्लैंक में कन्वर्ट करके टेप के एंड तक जाऊंगा, और एंड में जो कैरेक्टर होगा वो भी अगर ए है तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की मैचिंग हो गई है, उसको भी हम ब्लैंक में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो भी मैचिंग हो जाएगी उसको हम ब्लैंक में कन्वर्ट कर देंगे। सो लेट्स से हमें यूज़ रूल स्टेटमेंट है, और यहाँ पे मुझे स्मॉल ए मिला, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है ब्लैंक में और राइट की तरफ मूव किया। तो राइट की तरफ मतलब बी की तरफ आपने मूव किया। अभी आपको इस कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं करना है, तो बी अगर मुझे मिल रहा है तो मैं इसको बी ही छोड़ के आगे राइट की तरफ जाता हूँ। अगर मुझे रास्ते में ए भी मिलता तो मैं उसको ए ही छोड़ के राइट की तरफ जाता हूँ। मैं राइट की तरफ प्रोग्रेस कर रहा हूँ, और राइट की तरफ तब तक प्रोग्रेस कर रहा हूँ जब तक मुझे ब्लैंक नहीं मिला। तो जैसे ही मुझे ब्लैंक मिलेगा उसको मैं ब्लैंक छोड़ कर लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा। तो अगर मैं लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा तो मैं इस ए पे आ गया। तो एक्सपेक्ट भी मैं यही कर रहा हूँ कि मुझे ए मिल जाए, और अगर मुझे ए मिला है तो मैं इसको ब्लैंक में कन्वर्ट करके लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा। ठीक है, अगर मुझे ए मिला है मैं इसको ब्लैंक में कन्वर्ट करके लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ। जब मैं लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ तो लेट से इसको ऐसे बना लेते हैं। मुझे ए मिला था, मैंने इसको ब्लैंक में कन्वर्ट करके लेफ्ट की तरफ, रास्ते में मुझे जितने भी ए मिलेंगे मैं उसको ए ही छोड़ के लेफ्ट की तरफ आऊंगा, और बी मिलेंगे तो बी छोड़ कर मैं लेफ्ट की तरफ आऊंगा। इसका मीनिंग ये है कि मैंने एक ए के कोरस्पॉन्डिंग ब्लैंक फाइंड कर लिया है। अब मुझे क्या करना है कि नेक्स्ट कैरेक्टर को देखना है। सो मैंने इसको ब्लैंक पर कन्वर्ट कर दिया, मैं लेफ्ट की तरफ मूव करता हूँ, बी मिला तो छोड़ के आगे, बी मिला तो छोड़ के आगे, बी मिला तो छोड़ के पीछे, आगे नहीं मतलब पीछे ही, बी पीछे की तरफ मैं जाना है और ब्लैंक की तलाश करनी है। जैसे ही मुझे ब्लैंक मिलेगा इस ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के मैं नेक्स्ट कैरेक्टर तक पहुंचूंगा और सिमिलर एक्शन लूंगा जो मैंने पहले लिया था। मुझे ब्लैंक मिला, मैं उसको ब्लैंक ही छोड़ा और फिर राइट की तरफ मूव किया। राइट में मेरे पास ए नहीं है बल्कि बी है, बी के कोरस्पॉन्डिंग एक्शन ले लेते हैं। तो इस बी को मैं ब्लैंक में कन्वर्ट करके राइट की तरफ मूव करूंगा। इस बी को ब्लैंक में कन्वर्ट करके मैं राइट की तरफ मूव करूंगा, और एंड में मुझे बी मिलना चाहिए। तो मैं 3 4 स्टेट में हूँ, और इसके बाद मुझे मैंने बी को कैपिटल बी या ब्लैंक में कन्वर्ट कर दिया, आगे गया हूँ। रास्ते में जितने भी ए मिलेंगे मैं उसको ए छोड़ के आगे चलूंगा, जितने भी बी मिलेंगे मैं उसको छोड़ के आगे चलूंगा। इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, इसको भी छोड़ना है, और ब्लैंक तक पहुँचना है। जैसे मुझे ब्लैंक मिलेगा मैं अपनी
डायरेक्शन को चेंज करूंगा, ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ना है और लेफ्ट की तरफ आना है। लेट्स से हम Q5 स्टेट में पहुंचते हैं और बाकी सारे लोकेशन हटाते हुए मैंने लास्ट वाले ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ा है और पीछे की तरफ आया, उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ। और अगर ये बी है तो इसको ब्लैंक में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। अगर ये बी है इसको ब्लैंक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लेट्स से मुझे बी मिला और इस बी को मैंने ब्लैंक में कन्वर्ट कर दिया और लेफ्ट की तरफ चले, ठीक है, बी को ब्लैंक में कन्वर्ट कर दिया और लेफ्ट की तरफ चले। इसके बाद रास्ते में जितने भी बी मिलेंगे उनको छोड़ दीजिएगा, मतलब आप Q3 स्टेट में हैं, बी को बी छोड़ के लेफ्ट में आइएगा। अगर ए मिलेगा रास्ते में तो उसको भी छोड़ के लेफ्ट की तरफ आइएगा। इसको छोड़ा और ब्लैंक पर पहुंच गए। तो ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के अब हमें राइट की तरफ जाना है। तो ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के मुझे राइट की तरफ जाना है, इसका मतलब वी आर रीचिंग टू Q0 स्टेट। अब मेरे पास ये वाला बी है, तो Q0 स्टेट में मुझे बी मिला, मैं इसको ब्लैंक छोड़ के आगे की तरफ जाऊंगा, Q4 स्टेट पर पहुंचता हूँ। आगे मुझे रास्ते में बी मिल रहे हैं, उसको छोड़ के मैं ब्लैंक तक पहुंचूंगा, मतलब यहाँ पर। फिर ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के मैं लेफ्ट की तरफ आऊंगा। अगर ये वाला करेक्टर भी बी है तो मैं इसको ब्लैंक में कन्वर्ट कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी मिला मुझे, मैं उसको ब्लैंक में कन्वर्ट करके लेफ्ट की तरफ मूव कर दूंगा। जब लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं आपको एक ब्लैंक मिला है, अभी आपने ये वाला बी कन्वर्ट किया है, इसके कोरस्पॉन्डिंग इसके लेफ्ट में आपको ब्लैंक मिला, तो आप उसको ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। जब आप ब्लैंक को ब्लैंक कन्वर्ट करके राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो अभी तक तो आपको ए या बी मिलता था, लेकिन इस केस में ब्लैंक मिला। इस केस में ब्लैंक मिलने का ये मतलब है कि सभी कैरेक्टर्स मैच हो गए हैं। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, ए बी बी और बी बी ए। पहले मैंने इसको ब्लैंक में कन्वर्ट किया, फिर इसको ब्लैंक में कन्वर्ट किया, पेयर में हम कर रहे हैं, फिर इसको ब्लैंक में कन्वर्ट किया और इसको ब्लैंक में कन्वर्ट किया, फिर इसको ब्लैंक में कन्वर्ट किया और इसको ब्लैंक में कन्वर्ट किया। जैसे इसको कन्वर्ट करके आप पीछे की तरफ आ रहे हैं और ये ब्लैंक मिलता है, आप राइट की तरफ मूव करते हैं, तो राइट में भी आपको ब्लैंक मिल रहा है। अगर राइट में भी आपको ब्लैंक मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो ये पैटर्न है वो इवेंट पैलिंड्रोम को रिप्रेजेंट करता है। सो ब्लैंक को ब्लैंक ही छोड़िए और राइट की तरफ मूव कीजिए। लेट्स से आई रीच टू स्टेट Q6 एंड यही Q6 स्टेट जो है फाइनल स्टेट होगा, वो एक्सेप्ट कर रहा है ये जो गिवन स्ट्रिंग है दैट इज द इवन पैलिंड्रोम। सो दिस इज द ट्यूरिंग मशीन फॉर द इवन पैलिंड्रोम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, वी विल टेक मोर एग्जाम्पल्स।